तो कल हमने इफ के फॉर्मूला तक किया था, ठीक है, नेस्टेड इफ। आज देखते हैं एंड का फॉर्मूला, ठीक है। तो जैसे ही है, मेरे पास क्या है कि एक सिनारियो है, इसमें 3 राउंड हुए इंटरव्यू के, ज्यूरी ने वाई एन कर यस नो करके दे दिया, मार्किंग कर दी कि सिलेक्टेड है कि नहीं। अब हमारी कंडीशन क्या है कि अगर कैंडिडेट तीनों में यस है, मतलब तीनों में क्लियर है, तो सिलेक्टेड आ जाए, अदरवाइज रिजेक्टेड आ जाए, ठीक है। तो ये हम इफ़ के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, पर इसका एक आसान तरीका है, ये हम तीनों कंडीशन जो हैं वो एंड के फॉर्मूले में डाल देंगे, कॉमा सेपरेटेड करके तीनों कंडीशन एक साथ डाल देंगे कि D4 इक्वल टू Y है कि नहीं, ठीक है जी। ये क्या देगा, अगर इसके अंदर की तीनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो एंड का फॉर्मूला ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज हर केस में फॉल्स करेगा। जब तीनों कंडीशन ट्रू होंगी वहीं ट्रू देगा ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ट्रू फॉल्स आ गया, अब ट्रू फॉल्स के बेसिस पे रिजल्ट देना है, तो वो आप इफ़ के फार्मूला से दे सकते हैं। ये ट्रू फॉल्स है हमारा, तो जहाँ हमें यहाँ ट्रू मिले वहाँ सिलेक्टेड दिखा देना है, और अगर नहीं है फॉल्स है तो रिजेक्टेड दिखा देना है, ठीक है। ये फार्मूला मैं ड्रैग करूँगा, ये आ गया। तो आपका जहाँ तीनों में क्लियर है वहाँ पे सिलेक्टेड आ गया, और केस में रिजेक्टेड आ गया। नहीं, कॉमा कॉमा सेपरेटेड है। हाँ नहीं, ये देखो कॉमा होता है जब फॉर्मूले में पैरामीटर देते हैं तो कॉमा दे के देते हैं, ठीक है। तो ये हम नीचे से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मतलब कितनी भी कंडीशन दे सकते हैं आप, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3, लॉजिकल 4, एक्स्ट्रा भी देना चाहें दे सकते हैं। बस ये क्या करता है कि सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो अब ये दो सेल में तो फार्मूला नहीं लगाएंगे, एक ही में लगाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से फार्मूला कॉपी करेंगे, इक्वल टू से पहले वाला कॉपी किया, जहाँ इसका रेफरेंस ले रखा है उसको डिलीट किया, और ये फार्मूला यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है, इस तरह से। तो आपको अब इसकी ज़रूरत नहीं, ये आ गया। पर अगर हम इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं रिजल्ट वाले सेक्शन में, तो अभी क्या हो रहा है, देखिए लिंक आउट हो गए, जो मैंने वाई पे लगाया था वो एक एक आगे चले गए, क्योंकि डॉलर नहीं लगा था किसी में। तो जब फॉर्मूला इस तरह से मर्ज कर रहे हैं तो कंट्रोल एक्स का यूज़ करें, कट करके जब पेस्ट करेंगे तो लिंक आउट नहीं होंगे, ठीक है। ये समझ आया, मैंने क्या किया, पहले ये फार्मूला इक्वल टू से पहले तक कॉपी किया, ठीक है, और फिर जहाँ मैंने इसका लिंक ले रखा था उसको हटा के ये फार्मूला पेस्ट कर दिया, ठीक है। वो इसलिए लगाया क्योंकि मुझे एक सेल में रिजल्ट चाहिए ना, दो में तो चाहिए नहीं, है ना। तो मैंने मर्ज करके एक ही फार्मूला बना दिया लॉन्ग, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि दूसरे में क्या है कि और का फॉर्मूला है। अब मान लीजिए, हाँ जी करेक्ट, हाँ। तो एंड का फॉर्मूला आपके लॉजिकल टेस्ट में आ गया पूरा, तो एंड जो ट्रू फॉल्स दे रहा था वो इफ को मिल गया, और इफ ने वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ फॉल्स ट्रू फॉल्स के बेस पे दे दिया, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। मान लीजिए बैंक अकाउंट खुलवाना है, तीन आपके पास वो है डॉक्यूमेंट, DL, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड। बैंक ने कहा कि मुझे कोई भी एक दे दो, तो इस तरह से मार्किंग हुई है, तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं पर मिनिमम एक होना चाहिए। तो यहाँ पे लगाएंगे हम और का फॉर्मूला तीन कंडीशन में। अब और का फॉर्मूला क्या करता है कि अगर आपकी कोई भी कंडीशन ट्रू वैल्यू देती है
तो और ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू दे दे या एक से ज़्यादा। फॉल्स वहीं रिटर्न करेगा जहाँ एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर इसके साथ करते हैं, ट्रू फॉल्स हमें और से मिल गया और सिलेक्टेड रिजेक्टेड दे देंगे उसके बेसिस पे, ठीक है। ये ड्रैग कर दूंगा तो ये आ गया। अब ये और का फॉर्मूला मैंने कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया E17 की जगह, और फिर इसको कट करके यहाँ कर दिया, ठीक है जी। तो जहाँ कंपलसरी हो सारी कंडीशंस का ट्रू होना वहाँ एंड लगेगा, जहाँ चॉइस हो वहाँ और लग जाएगा, ठीक है। एंड और का फॉर्मूला समझ आया। अब इसमें आगे देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं इसी एंड और के फॉर्मूला के थ्रू ही। अब मान लीजिए कि जैसे ये तो प्राइवेट बैंक था, आपका अकाउंट खोल दिया, सरकारी बैंक पे जाएंगे, वो कहेंगे एक एड्रेस प्रूफ चाहिए, एक आईडी प्रूफ चाहिए, ठीक है। अब एड्रेस प्रूफ की कैटेगरी में ये डीएल वोटर आईडी कार्ड डाल रखा है, आईडी प्रूफ में पैन कार्ड आधार कार्ड, तो मतलब इन दोनों में से एक होना चाहिए, ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं पर मिनिमम एक होना चाहिए, और इन दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है। तो जिसमें से चॉइस है यानी इन दोनों में, तो एक और यहाँ आएगा, एक और यहाँ आएगा, और ये दोनों और जो है वो एंड के अंदर जाएंगे क्योंकि दोनों कंपलसरी है। तो कैसे लगाएंगे, और का फॉर्मूला पहले लगाया मैंने, क्या ये इक्वल टू वाई है, क्या ये वाला इक्वल टू वाई है, तो अगर दोनों में से कोई भी वाई होता है तो ट्रू आएगा, फॉल्स वहीं आएगा जहाँ दोनों आपके नो होंगे, ठीक है। तो सेम और का फॉर्मूला हमने लगाना है आईडी प्रूफ में, तो ये और का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, ठीक है, इन दोनों कंडीशन पे, ठीक है। तो ये दो और, एक एड्रेस प्रूफ का हो गया, एक आईडी प्रूफ का हो गया, इनको डाल देंगे एंड के अंदर कि जब दोनों जगह ट्रू हो, तो ये भी एक लॉजिकल फॉर्मूला है, तो अगर डायरेक्ट ट्रू भी मिल जाता है तो उससे इवैल्यूएट कर लेगा, अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू देगा, अगर एक भी फॉल्स है तो ये फॉल्स दे देगा, जैसे यहाँ पे, ठीक है। एंड के फॉर्मूले से हमारा फाइनल बन गया। अब इफ़ का फॉर्मूला लगा के एंड के फॉर्मूले के ऊपर हम रिजल्ट दे देंगे किस इसके बेस पे, सिलेक्टेड और रिजेक्टेड, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आ गया। रिजेक्ट कहाँ हो रहा है, जहाँ पे जैसे इस कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं है, इसमें दोनों में कुछ नहीं है, तो ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैंने लगाया है चार सेल में, इसको करना पड़ेगा मुझे कंबाइंड, ठीक है। कंबाइंड करने के लिए क्या करते हैं, प्रोसीजर क्या है, फाइनल फार्मूला देखते हैं कि वो डिपेंडेंट किस पे है। तो ये S28 पे डिपेंडेंट है, फिर हम S28 के अंदर जाके देखेंगे कि ये फार्मूला किस पे डिपेंडेंट है, तो ये F28 और G28 पे डिपेंडेंट है। फिर इन फार्मूलेस को देखेंगे, ये डेटा पे है और ये भी डेटा पे है, तो हमें इस फार्मूले से शुरुआत करनी है। तो मैं क्या करूँगा, पहला और कॉपी कर लूँगा, मतलब F28 का फार्मूला कॉपी किया मैंने और जहाँ एंड में F28 लिखा हुआ है वहाँ जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह G28 का फार्मूला कॉपी किया और जाके दे दिया जहाँ G28 लिखा हुआ, ये ठीक है, अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब ये जो एंड का फार्मूला है इसको पूरे को कॉपी कर लेंगे इक्वल टू से पहले तक, और एंड का लिंक जहाँ लगा हुआ है वहाँ पे हम दे देंगे पूरा फार्मूला, तो अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया आपके पास फाइनल फार्मूला, कट किया और ये डाल दिया इधर, ठीक है। ये प्रोसीजर क्लियर हुआ कैसे किया है, बिल्कुल ठीक है। जो बड़ा फॉर्मूला बनाते हैं उसका एक यही प्रोसीजर होता है, ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है, लॉजिक को ब्रेक करके, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मान लीजिए कि यही एग्जांपल, यहाँ मुझे एंड और के फॉर्मूले पता थे तो मैंने कर दिए, मान लो कि मुझे नहीं है पता है फॉर्मूले, सिर्फ इफ़ के फॉर्मूले से करना है और यही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, स्टार्ट कर देना है और फिर अपने आप से ही क्वेश्चन करने हैं कि पहले अगर मैं चेक करूँ कि B37 इक्वल टू वाई है, अगर ये वाई होता है तो मुझे क्या करना है, आईडी प्रूफ में चेक करना है कि इन दोनों में एक वाई है कि नहीं है। तो मैं इसका फॉर्मूला बाद में बनाऊंगा, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 स्टैंड बाय वैल्यू, ठीक है। और मान लो कि यहाँ वाई नहीं है तो वैल्यू इफ फॉल्स में क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा क्या ये इक्वल टू वाई है अगला वाला। तो यहाँ पे एक और इफ़ का फॉर्मूला आ जाएगा जो ये चेक करेगा कंडीशन में कि क्या ये इक्वल टू वाई है। अगर मान लीजिए यहाँ वाई मिल जाता है इसे, तो क्या करना है, इन दोनों में चेक करना है, मतलब जहाँ वन आगे लगाया था वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। अगर यहाँ वाई नहीं मिलता है तो क्या करना है, रिजेक्टेड यहीं हो जाएगा क्योंकि इसे एड्रेस प्रूफ में वाई नहीं मिला है, ठीक है। अब हमें फार्मूला 1 के लिए बनाना है, ठीक है, स्टैंड बाय वैल्यू के लिए। तो वहाँ 1 के लिए फार्मूला बनाऊंगा इफ मैं इसको चेक करूँगा डायरेक्ट, क्योंकि पहले चेक करके आया, तो यहाँ इक्वल टू वाई है तो क्या करना है, तो मतलब पहले चेक करके आया है, यहाँ पे कर देंगे हम सिलेक्टेड। मान लो इसे यहाँ वाई नहीं मिलता है तो क्या करना है, नेक्स्ट में चेक करेगा कि यहाँ वाई है कि नहीं, तो यहाँ पे दूसरा इफ़ का फॉर्मूला लग जाएगा जो ये चेक करेगा कि इधर वाई है कि नहीं, अगर है पहले चेक करके आया हुआ है तो सिलेक्टेड हो जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे रिजेक्टेड हो जाएगा क्योंकि आईडी प्रूफ में आपका नो है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, दो फार्मूला बन गए। अब ये फार्मूला मैं कॉपी करूँगा जो मैंने 1 के लिए बनाया था और उसको जाके 1 की जगह डाल दूंगा, तो एक मुझे यहाँ पे डालना है और एक मुझे यहाँ पे डालना है। इसका तरीका है कि आप फाइंड रिप्लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल एफ करेंगे फाइंड आ जाएगा, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो फाइंड क्या करना है मुझे 1 और रिप्लेस करना है इस फॉर्मूला से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रिप्लेस दबाऊंगा ना कि रिप्लेस ऑल, मल्टीपल करना है अगर वो सिंगल सेल में ही करना है तो रिप्लेस दबेगा, अगर मल्टीपल सेल में है तो उसको सिलेक्ट करके आप करेंगे रिप्लेस ऑल। जैसे ही मैंने रिप्लेस दबाया 1 रिप्लेस होके वो फॉर्मूला लग गया मेरा, ठीक है। इस फॉर्मूले का और कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, ठीक है, आपने बस लॉजिक ब्रेक करके लगाना है, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें अभी तक जो तरीके बताए हैं वो बताए हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज को कैसे लगाया जाता है लॉजिक तोड़ के। हाँ, ये वाला देखो, 1 मैंने कहाँ पे रखा है, यहाँ पहले फॉर्मूला में 1 मैंने कहा है कि अगर एड्रेस यहाँ पे मैं वाई चेक कर रहा हूँ, मतलब यहाँ मिल गया, तो यहाँ पे एक फार्मूला आएगा जो इन दोनों को चेक करेगा आईडी प्रूफ में, है ना। और मान लो वाई यहाँ पे नहीं मिलता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दूसरे को भी चेक करूँ, तो एक और इफ़ का फार्मूला आया जिसने ये चेक किया कि अगले में वाई है कि नहीं, और है तो हमें फिर से वही करना है, आईडी प्रूफ में चेक करना है, मतलब यहाँ दोनों जगह फार्मूला सेम आएगा जहाँ जहाँ 1 है। अगर यहाँ वाई नहीं मिलता तो वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या आ जाएगा, रिजेक्ट, ठीक है। सेम केस, अब 1 कहाँ पे लगाए, जहाँ वो पहले चेक करके आ चुका है कि आगे वाई है, तो हमें अब इस पे बनता है, हाँ, तो फिर ये चेक कर रहा है कि ये क्या इक्वल टू वाई है, तो पहले चेक करके आया है सिलेक्टेड आ जाएगा, नहीं है तो अगले वाले को चेक करेगा, और है तो सिलेक्टेड नहीं तो रिजेक्टेड। फिर उस इस फॉर्मूला को कॉपी करके हाँ ये 1 की जगह डाल दिया, ठीक है जी, ठीक है। एक सेकेंड,
से ना आगे बढ़, एक ना जिम होगा, भेड़िए की तस्वीर लगी है, दो जिम है वो। अरे नहीं पीछे नहीं, ये तो कहाँ से आ रहा है, गुड़गांव से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, पलवल से आया है। ऐसा कर उसी रोड पे ना आगे जाएगा, आगे जाएगा ना तो राइट साइड में गली नंबर एक है, रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी, बर्न एंड ब्लास्ट, हाँ बर्न एंड ब्लास्ट जिम होगा, हाँ जिम होगा, बोर्ड रोड पे ही लगा है, उसी गली में अंदर आ गई, मुस्कान टेलर पड़ेगा, ठीक है, गली नंबर एक कहते हैं इसे, जी ब्लॉक। तो मुस्कान टेलर पे जब पहुँचेगा उससे फिर से राइट हो जाइए, ठीक है, अंदर आते फोन कर, फिर मेरा गली वही है, घर अंदर कितना आता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमने बस वो कंटिन्यूशन में बनाया है और फिर इसको वन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने फॉर्मूला पे, वी लुकअप। वी लुकअप तो आता है, सिंपल तो आता है, हाँ ठीक है। अच्छा तो वी लुकअप का फॉर्मूला देखो, पहले है हम पैरामीटर पढ़ के लगाते हैं हमेशा फॉर्मूला। तो लुकअप वैल्यू है कि क्या ढूंढना है, तो हमने ढूंढना है ये रोल नंबर, ये बेसिकली एक डेटा है, रोल नंबर के बेस में मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये रोल नंबर का डेटा ढूंढना है, टेबल एरे किस में ढूंढना है, तो आप उसमें वो टेबल दे दोगे जिसमें ये डेटा ढूंढा जाना है, ठीक है, और फ्रीज भी कर देंगे। इसमें क्या फ्रीज करेंगे, कॉलम, ताकि जब मैं इसको इधर ड्रैग करूं तो इसके कॉलम ना चेंज हो जाए, रोल नंबर अपनी जगह ना छोड़ दे। और इसको हम फुल्ली फ्रीज करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता डेटा कहीं से भी हिले, ठीक है। टेबल एरे के बाद अगला पैरामीटर है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स देखो, इसमें क्या है कि रोल नंबर आपने दिया, ये रोल नंबर मिल गया, पर सेम रो में इसके पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। तो कौन से कॉलम से वैल्यू देनी है, जैसे नेम 1 2 सेकेंड कॉलम से देनी है आपके सिलेक्शन में, मतलब कि आपने ये जो डेटा सिलेक्ट किया है, पहला कॉलम जो है रोल नंबर है, दूसरा नेम है, तीसरा हिंदी है, तो मुझे दूसरे कॉलम से डेटा चाहिए, तो वो कॉलम इंडेक्स पड़ जाता है। देन रेंज लुकअप, ठीक है, रेंज लुकअप होता है आपका अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच, तो हमें हमेशा एग्जैक्ट मैच ही चाहिए होता है, अप्रॉक्सीमेट का मैंने उस दिन बताया था, ठीक है, कल वाले क्लास में, तो इधर एग्जैक्ट मैच ही चाहिए, ये आ गया, तो हमें उस रोल नंबर का नेम पता पड़ गया। अब इसी फॉर्मूला को कॉपी करके और भी कॉलम में डाल दिया मैंने, मुझे सिर्फ क्या चेंज करना है, कॉलम इंडेक्स, यहाँ तीसरे कॉलम से आना चाहिए, यहाँ चौथे कॉलम से आना चाहिए और यहाँ पांचवें कॉलम से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये पूरा फॉर्मूला रो का कॉपी करो और पेस्ट कर दो, ठीक है, आ गया एज इट इज़ रिजल्ट, ठीक है। अब थोड़ा दूसरे तरह के वी लुकअप पे चलते हैं, ये तो बेसिक है, पहले एच लुकअप देख लेते हैं। अगर आपका वही डाटा ट्रांसपोज कर दिया है किसी ने, पेस्ट में जैसे ट्रांसपोज होता है ना, मतलब कि आपकी हेडिंग अब रो में आ गई है, यहाँ पे आपका एच लुकअप लगेगा, हॉरिजेंटल लुकअप। तो लुकअप वैल्यू सेम वही चीज़ है, टेबल एरे, टेबल एरे भी है वही चीज़ है, डेटाबेस आपका पूरा। अब ये पूछ रहा है रो इंडेक्स, कि आपके सिलेक्शन की कौन सी रो से वैल्यू देनी है, तो मैंने कहा ये हमारे सिलेक्शन में दूसरी रो है नेम, तो दूसरे से देनी है। फिर अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच का है, तो एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लेंगे या ज़ीरो लेंगे, ठीक है। बस इसको उसी तरीके से कॉपी किया, वहाँ कॉलम इंडेक्स चेंज किए थे, यहाँ रो इंडेक्स करना है, यहाँ तीसरी रो से, यहाँ चौथी रो से, यहाँ पांचवी रो से डेटा ले लिया। अब इसके बाद पेस्ट कर दिया, आ गया डेटा, ठीक है जी।
नहीं इस हेडिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, एक सेकंड दीजिए बस, एक और लड़का। हाँ भाई कहाँ पहुँचे? राइट नंबर है, गलती हो हाँ जी सर, हेलो। हाँ सॉरी, वो कोई आ गया था ना तो लेने जाना पड़ा। तो है तो एच लुकअप में हमने देखा रो इंडेक्स का ही चक्कर होता है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, नहीं नहीं मर्जी है, मर्जी है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा है ना कि अगर उससे क्या हो जाता है कि अगर मैं यहाँ नेम डालूँगा ना, मतलब यहाँ नहीं, यहाँ अगर नेम डालूँगा तो ये अगर मैंने इंक्लूड किया होगा तो उसकी वो भी आ जाएगी, रोल नंबर, रोल नंबर, सॉरी, ये रोल नंबर, तो ये भी आ जाता है, मतलब वो भी लुकअप कर लेगा। ठीक है, हाँ इसका कोई मर्जी है, आप हेडिंग से कोई चक्कर नहीं, कम भी कर सकते हैं, जैसे डेटा में, हाँ यहाँ से कर लो। नहीं नहीं देखो, ये ना लुकअप वैल्यू के बेस पे चलता है, जहाँ पे ये वैल्यू मिलेगी उसी का नीचे का डेटा रिटर्न करेगा, पर
पर अगर हम रोल नंबर इसमें लिखेंगे ही नहीं तो वो लुकअप कहाँ से करेगा, तो लो चाहे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है वो चलेगा। हाँ ठीक है, अब वी लुकअप में थोड़ा सा एडवांस बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो दो जगह डेटा मैंने स्प्लिट कर दिया है। अब इसमें जो आईडीज पड़ी हैं वो इन दोनों डेटा में पड़ी हैं, ठीक है। अब वी लुकअप की क्या आदत है कि वी लुकअप जब भी लुकअप करता है, अगर इसे वो आईडी नहीं मिली तो ये क्या करेगा, एरर देगा, ठीक है, ये आईडीज नहीं मिली। तो मेरे पास इस फॉर्म एक और फार्मूला है जिससे हम प्रोग्राम करेंगे। लेट सपोज यहाँ पे दो नंबर है, रेट क्वांटिटी है, या क्वांटिटी निकालनी है मतलब डिवाइड करने वाला हूँ, ठीक। ये डिवाइड कर दिया मैंने, यहाँ पे लगा दिया सम। अगर मैं ज़ीरो से डिवाइड करता हूँ किसी भी नंबर को तो क्या आती है, एरर। तो आपका फार्मूला जब एरर रिटर्न करता है तो वो दूसरे फार्मूला को भी ख़राब कर देता है जिससे के साथ वो एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला है इफ एरर, ठीक है। इफ एरर के अंदर हम वह पूरा फार्मूला डाल देंगे जिसमें एरर आने की गुंजाइश है, और वैल्यू इफ एरर के अंदर हम वो वैल्यू फार्मूला या टेक्स्ट डालेंगे जो हम एरर आने के केस में चाहते हैं कि अगर एरर आए तो क्या देना है। तो मैं कह देता हूं कि जब एरर आए तो जीरो कर देना, तो जहां एरर आ रही है वहां जीरो कर देगा, उससे फ़ायदा क्या होगा, अगला फार्मूला हमारा चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका और कुछ होता है जैसे डिवाइड सही काम कर रहा है तो ठीक है, जैसे ही एरर आएगी वो ज़ीरो कर देगा, समझे। फार्मूला समझ आया ये वाला, इफ एरर क्या कर रहा है। हाँ मतलब वैल्यू इफ एरर में जो भी देंगे हम वो काम कर देगा वो, ठीक है। अब वी लुकअप के साथ हम क्या लगाने वाले हैं कि जहाँ एरर आई है हैश एन ए की, वहाँ पे एक दूसरा वी लुकअप चले जो दूसरे डेटा से गेट करेगा। यानी कि ये वी लुकअप का फॉर्मूला मैं दे दूंगा इफ एरर में, ठीक है। वैल्यू सेक्शन में इसके पड़ गया मेरा पूरा वी लुकअप का वो वाला फार्मूला, पहला वाला। और मैं कहता हूँ एरर जब आए तो दूसरा वी लुकअप लगाए जो कि ये लुकअप इस टेबल एरर से करे, दूसरे वाले से, ठीक है। कॉलम इंडेक्स 2 0, दो बार ब्रैकेट क्लोज। तो जहां एरर आई थी वहां दूसरा वी लुकअप चल जाएगा, ठीक है। अब इस केस में आपको दो जगह कॉलम इंडेक्स चेंज करने होंगे, एक पहले वी लुकअप में एक दूसरे वी लुकअप में, समझ आया ये। है ना, ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ इस शीट में आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना उसको, ठीक है। तो ये आपकी मतलब क्लियर हो जाएगा काम, ठीक है। तो अब इन दोनों में से दे रहा है, ऐसे ही अगर तीसरे डेटा से आता तो क्या करते हैं हम, मान लो दोनों में आईडी नहीं मिलती। हाँ तो ये पूरा इफ एरर का फार्मूला हम फिर से इफ एरर में दे देते, जिसके वैल्यू सेक्शन में ये पूरा वाला फार्मूला आ जाता और कॉमा करके हम वैल्यू इफ एरर का पैरामीटर देते, जैसे मैं अभी ब्लैंक दे दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से चलेंगे, मतलब यहाँ पे भी वी लुकअप, ऐसा करके आप 7-8 शीट का अलग अलग डेटा एक साथ वी लुकअप में गेट कर सकते हैं, ठीक है। अब वी लुकअप का तीसरा एग्जांपल, तीसरे में क्या है कि थोड़ा सा डेटा मैंने चेंज कर दिया है, उसमें देखेंगे आप तो जो हमारे पास अलग से मार्क्स आ रहे थे, जो मतलब सब्जेक्ट आ रहे थे हिंदी इंग्लिश मैथ, मैंने क्या किया एक सब्जेक्ट का कॉलम बना लिया और उसमें क्या कर दिया हिंदी इंग्लिश मैथ ऐसे दे दिए कि हिंदी के मार्क्स ये हैं, नीचे जाएंगे तो इंग्लिश के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश के मिल गए, ऐसे ही चल के नीचे मैथ के मिलेंगे, तो डेटा तो कैसा भी आ सकता है ना। अब इस केस में क्या करना है
आपके रोल नंबर और नेम रिपीट हो गए। तो अगर मुझे नेम लाने हैं, VLookup क्या करता है, फर्स्ट अकरेंस जो भी डेटा की होगी वो दे देता है, मतलब जो पहली बार आ गया। तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ, अभी तो मैं सेकंड कॉलम इंडेक्स, नेम तो वही रहेगा, नेम तो मैं उठवा लेता हूँ, फर्स्ट अकरेंस में नेम सही है। पर जब मैं मार्क्स की बात करूँ तो हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के अलग अलग उठाने। तो ये बेसिकली क्या है कि जब कोई वैल्यू यूनिक ना हो तो आपको यूनिक बनानी पड़ती है वैल्यू। यूनिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जैसे मुझे अगर हिंदी का मार्क्स चाहिए तो मुझे देखना पड़ेगा रोल नंबर कौन सा है और उसका हिंदी का क्या, इंग्लिश का चाहिए रोल नंबर और ये। तो मैं क्या करूँगा, वैल्यू को यूनिक बनाने के लिए एक कॉलम में कंकैटिनेट कर दूँगा रोल नंबर और सब्जेक्ट को, ठीक है। जब मैंने इसको कंकैटिनेट किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से आईडी जनरेट हुई, रोल नंबर और सब्जेक्ट। तो ये रोल नंबर, ये सब्जेक्ट, रोल नंबर इंग्लिश सब्जेक्ट, रोल नंबर मैथ सब्जेक्ट, ठीक है। अब मुझे लुकअप वैल्यू भी कुछ ऐसी ही चाहिए कंकैटिनेटेड, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने रोल नंबर लिया, कंकैटिनेट किया ऊपर वाले सब्जेक्ट से, ठीक है। इसमें मैंने जहाँ से सब्जेक्ट ले रहा हूँ वहाँ रो लॉक कर दी, क्योंकि जब मैं नीचे ड्रैग करूँ तो ये रो ना छोड़े अपनी, पर कॉलम को नहीं छेड़ा, और ये रोल नंबर जहाँ से आ रहा है वहाँ कॉलम लॉक कर दिए, ठीक है। अब देखिए कि इसमें वही आईडी जनरेट हो रही है जिसका रोल नंबर हमें चाहिए, है ना। अब क्या करेंगे, इस आईडी में हम VLookup की लुकअप वैल्यू में ही इसको दे देंगे, ये जो फार्मूला मैंने बनाया है लुकअप वैल्यू में ये आ गया कंकैटिनेशन वाला। टेबल एरे में मैं इसको पूरे को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। कॉलम इंडेक्स कौन सा, 1 2 3 4 5, पांचवां कॉलम इंडेक्स और फॉल्स या ज़ीरो, ठीक है। तो ये मेरे पास उसके सब्जेक्ट की वैल्यू आ गई। अब यही फार्मूला मैं पेस्ट कर दूँगा, ये आ गया रिज़ल्ट, ठीक है। ये तरीका समझ आया, जब हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ नहीं होती है तो यूनिक करने के लिए हम कुछ इसी तरह का प्रोसीजर करते हैं। इसको डेटाबेस कॉन्सेप्ट में अल्टरनेट की कहा जाता है। हाँ जी, हाँ देखो, आईडी समझ आई कि आईडी कैसे जनरेट कराई मैंने, ठीक है। कंकैटिनेट किया है मैंने, बस एक सेकंड बता रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे हम, मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया इक्वल टू रोल नंबर, ठीक है, इसको कंकैटिनेट कर दिया ऊपर के सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, आ गया कंकैटिनेशन। तो मुझे कुछ इस तरह से करना था कि अगर मैं ड्रैग करूं तो मेरा पहले तो रोल नंबर वही, देख प्रदीप इंग्लिश आ गया, ये आ रहा है, ठीक है, पहले तो रोल नंबर को फ्रीज करूं क्योंकि यहाँ प्रदीप आ गया, यानी कि ये लिंक छोड़ के नेम पे जा रहा है, तो इसका क्या फ्रीज करना पड़ेगा, जी का कॉलम, ठीक है। अब मैं इस तरह से कर रहा हूँ तो ये रोल नंबर तो ठीक हो गए, सब्जेक्ट अभी ऐसे आ रहा है, पर जब मैं नीचे ड्रैग करूँगा सब्जेक्ट को तो क्या होगा, ये रोल नंबर मतलब अपने ऊपर वाले को पकड़ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रो लॉक कर दूँगा, ठीक है। अब इसको करूँगा तो ये सही डेटा देगा मुझे, ठीक है। और हमारे पास लुकअप वैल्यू आ गई, ये लुकअप वैल्यू को हम VLookup के लुकअप वैल्यू में दे देंगे पूरे फार्मूला को, देन टेबल एरे, देन कॉलम इंडेक्स 5 और 0, ठीक है। अब ये फार्मूला को मैं पेस्ट कर दूंगा तो ये आ गया आपका रिजल्ट, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ क्योंकि कंकैटिनेटेड वैल्यू लुकअप तो इसी में ही होगी,
है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको यूज किया जाता है। अब आते हैं मैच इंडेक्स पे, ठीक है। देखिए इंडेक्स मैच जो है VLookup जैसा ही दूसरा टूल है। इंडेक्स मैच दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, इनको हम एक साथ कंबाइंड करेंगे। कैसे? पहले अलग अलग यूज़ देखते हैं इनका कि इंडेक्स मैच का अलग अलग यूजेज क्या होता है, तब इनको कंबाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं मैच पे। मैच क्या करता है? आपका VLookup जैसा ही फॉर्मूला है। लुकअप वैल्यू क्या है आपको मालूम है, ठीक है। लुकअप एरे, लुकअप एरे से मतलब है सिर्फ वो कॉलम जिसमें ये आईडी होगी, सिर्फ एक कॉलम, पूरा डेटा नहीं आएगा इसमें, ठीक है। फिर कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए ज़ीरो ये भी यूज़ करता है, ठीक है। इससे जो आएगा वो क्या आएगा, पोजीशन आएगी। जो आपने लुकअप एरे चूज़ किया था ये क्या करेगा, इस वैल्यू को उस एरे में ढूंढेगा और ये बता देगा कि कौन सी पोजीशन पे है वो। जैसे इसके अंदर हमने देखा कि ये सिलेक्शन है हमारा, तो ये 121002 कौन सी पोजीशन पे, दूसरी पे है, ये छठी पोजीशन पे है, ये बारहवीं पोजीशन पे, इस तरह से पोजीशन बता रहा है, ठीक है। समझ आया ये कैसे चल रहा है? मैच में कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब मैच ने क्या किया, मुझे पोजीशन बता दी। अब इंडेक्स का फॉर्मूला क्या करता है, जब हम उसको एक कॉलम देते हैं, मान लीजिए मैंने रोल नंबर के सामने ही वैसा ही कॉलम इधर दे दिया, एक कॉलम, कॉमा रो नंबर पूछ रहा है कि ये कॉलम तो दे दिया, कौन सी रो से डेटा उठाना है। तो जैसे ही रो नंबर दोगे उसमें से उस रो का डेटा निकाल देगा। तो मतलब अगर हमारा कॉलम पैरेलल है, ये कॉलम में दूसरी पोजीशन पे आईडी है, तो इसका नेम भी उसी पैरेलल कॉलम में दूसरी पोजीशन पे होगा, है ना, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, उस पोजीशंस की वैल्यू निकाल देगा बस, समझ गए। तो अगर इसको कंबाइंड लगाना हो तो इसको कैसे समझा जा सकता है कि इंडेक्स में सबसे पहले आपका आएगा रिजल्ट वाला कॉलम, ठीक है, उसके बाद रो नंबर मिलेगा आपको मैच के फॉर्मूला से, जिसमें आप डालेंगे लुकअप वैल्यू, लुकअप कॉलम, कॉमा ज़ीरो, ठीक है। तो जैसे नेम निकालना है तो इंडेक्स में मैं लूँगा पहले नेम का एरे, ठीक है, और रो नंबर मुझे देगा मैच, पर मैच रो नंबर के लिए क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू, जो लुकअप वैल्यू की तरह ही फ्रीज होगी, लुकअप एरे कि किस में ढूंढा जाएगा ये कम्प्लीटली फ्रीज होगा, कॉमा ज़ीरो, दो बार ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका उसका वो निकल आया, ठीक है। अब इसमें चेंज अभी बताता हूँ। इसमें चेंज क्या करना है, हमने ये जो इंडेक्स वाला एरे है वो चेंज करना पड़ता है हमें, कि ये हिंदी का ले लिया, ठीक है। अगर हम एक और भी कर सकते हैं, अगर डेटा एक लाइन में है, मतलब एक पोजीशन में है, तो अगर मैं कॉलम का एरे हटा दूं यहाँ से तो एक कॉलम बढ़ेंगे अपने आप, ए का बी हो जाएगा, बी का सी हो जाएगा। तो ये इसको जब मैं पेस्ट करूँगा तो अपने आप ही रिजल्ट दे जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक का कॉलम चेंज हो गया, समझ गए। तो इंडेक्स बेसिकली क्या करता है, आपका पोजीशन देता है। अब देखो इंडेक्स के फॉर्मूला में अगर मैं एक कॉलम चूज़ करता हूँ तो वो एक कॉलम का रिजल्ट देता है ना, ये खाली रो नंबर देना पड़ता है। अगर मैं मान लो कि उसे ज़्यादा कॉलम दे देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा कॉलम दे दिए, तो मैं कहता हूँ रो नंबर, एक रो नंबर की वैल्यू निकालो, तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि आज ज़्यादा कॉलम है, कौन से कॉलम से निकालना है, तो इसको कॉलम नंबर तब देने की ज़रूरत है, ठीक है।
तो कॉलम नंबर कहेंगे कि हम पहले कॉलम से निकालना है, तो पहले कॉलम से निकाल दिया, दूसरे कॉलम से निकालना है तो दूसरे से निकाल दिया, ठीक है। मतलब कि इंडेक्स का फॉर्मूला हम एक और तरह से दे सकते हैं कि इंडेक्स के फॉर्मूला में हमने क्या किया, पूरा डेटा दे दिया, उसके बाद रो नंबर इसको मैच से मिला, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, ये पैरेलल ही होना चाहिए, और कॉमा ज़ीरो, ब्रैकेट क्लोज, कॉलम नंबर चाहिए हमें यहाँ पे, तो कॉलम नंबर हम यहाँ हिंदी के लिए देंगे 2, जैसे कॉलम इंडेक्स देते हैं सेम वैसा ही, और नेम के लिए देंगे 1, ठीक है, इसके लिए देंगे 3, और इसके लिए देंगे 4, ठीक है। अब मैं एक और एक ट्रिक करूँगा इसके अंदर, जिसके लिए मैं फार्मूला बता रहा हूँ, कि मान लो कि यहाँ पे जैसे हम रो की पोजीशन लुकअप कर सकते हैं, उसी तरह से हम हेडिंग भी तो लुकअप कर सकते हैं, कि ये हेडिंग, इसमें मैं रो लॉक कर दूंगा, इस हेडिंग के एरे में कौन सी पोजीशन पे है, तो क्या ये वही पोजीशन आ रही है जो मैंने इसके अंदर दी हुई है ना, आ रही है ना, जो मैंने कॉलम में दी है 2, 1। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को कॉपी करेंगे और उसकी जगह डाल देंगे, किसकी जगह, कॉलम नंबर की जगह, क्योंकि रो नंबर भी तो मैथ से ही गेट हो रहा है, मैंने कॉलम नंबर भी गेट करवा लिया। अब ये पूरा फॉर्मूला आप पेस्ट कर दीजिए इसमें, तो यहाँ पे आप अगर नेम भी चेंज करेंगे, तो आपका डेटा चेंज हो जाएगा। ये वाला हमने किया कि आपका कॉलम इंडेक्स ना डालने पड़े। मान लीजिए कि आपके पास 50 कॉलम का डेटा निकालना है, तो हर एक का कॉलम इंडेक्स थोड़ी डालते रहेंगे, है ना, हम सीधा हेडिंग मैच करवा लेंगे कि जो जिस पोजीशन पे हो वो पोजीशन दे दे, ठीक है ना। तो अब ये देखिए कि ये क्या निकाल रहा है, कॉलम इंडेक्स निकाल रहा है ना। तो क्या ये हम यही फार्मूला वी लुकअप की जगह भी दे सकते हैं ना, जहाँ कॉलम इंडेक्स की ज़रूरत है। सेम केस में अब देखो, वी लुकअप और इंडेक्स मैच में क्या डिफरेंस है। वी लुकअप का जो आपका टेबल एरे होता है ना, जो टेबल एरे देते हैं, वो उसमें लुकअप वैल्यू का जो एरे होता है वो फर्स्ट कॉलम में ही होना चाहिए, पर मेरे ये मैच इंडेक्स वाले डेटा में रोल नंबर यहाँ पे है, ठीक है, तो ये आईडी कभी भी पहले कॉलम में तो उसे मिलेगी ही नहीं, इसलिए मैच इंडेक्स का यूज़ होता है, समझे। अब VLOOKUP पे चलते हैं, और यही वाला फार्मूला मैं आपको VLOOKUP के अंदर मैच वाला लगा के दिखाता हूँ, कि लुकअप वैल्यू टेबल एरे कॉलम इंडेक्स शुरुआत में दे देता हूँ, ठीक है। तो कॉलम इंडेक्स के लिए मैंने क्या बताया, मैच का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, मैच लुकअप वैल्यू मैंने हेडिंग को किया, रो लॉक कर दी उसमें, लुकअप एरे मेरा हेडिंग जहाँ होगी इसमें, फुल फ्रीज 0। तो जब मैं ये फार्मूला कॉलम में ड्रैग करता हूँ, तो क्या इनका कॉलम इंडेक्स वही है जो होना चाहिए, तो ये फार्मूला मैं कॉपी करके जहाँ मैं कॉलम इंडेक्स चेंज करता हूँ उधर डाल दूँगा, ठीक है, और इसको मैं पूरे फार्मूला को पेस्ट कर दूंगा, यानी कि मुझे कॉलम इंडेक्स अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे भी आप चेंज करेंगे तो इसी तरह से गेट हो जाएगा, नीचे की वैल्यू बदल जाएगी, इसी तरह इसके अंदर की, ठीक है। इनको कहते हैं 2-way लुकअप।
ठीक है, ये क्लियर है। अब चलते हैं ऑफसेट पे, लास्ट फार्मूला। ऑफसेट का पहले आपको ये कुछ कुछ इंडेक्स जैसा ही है, जैसे इंडेक्स में मैंने क्या किया, ये एरे सिलेक्ट कर लिया यहाँ तक का, ठीक है। मैंने क्या किया, रो नंबर यहाँ से ले लिया, कॉलम नंबर यहाँ से ले लिया, ठीक है। इसने क्या दिया, संदीप, कैसे दिया, यहाँ से 1 2 सेकेंड रो और 1 कॉलम, मतलब सेम कॉलम, ठीक है। तो ये आ गया। ऑफसेट भी ऐसा ही करता है। ऑफसेट में हमें क्या करना पड़ता है, पूरा टेबल ना सिलेक्ट करके बस स्टार्टिंग पॉइंट ही देना होता है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, और रो कॉलम मैंने ऐसे ही दे दिया, एंटर किया, पर रिजल्ट डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स जो काउंटिंग करता है वो 1 2 3 4 करके करता है, ऑफसेट जो काउंटिंग करता है वो 0 1 2 3 4 करता है, ठीक है। तो ये पहली सेल को 1 1 नहीं, ये 0 0 मानता है। तो रो सेकंड का मतलब हो गया 0, ये हो गई 1 2, और कॉलम 1 का मतलब हो गया 0 1, तो इसलिए ये रिजल्ट आया है। अब इसको इंडेक्स जैसा करवाने के लिए मैच से जो वैल्यू आप लोगे रो कॉलम की, उनमें -1 करवा दो, सेम आपकी वैल्यू वही देगा, ठीक है। तो यानी कि आपका एक अल्टरनेटिव हो गया इंडेक्स की तरह ही ऑफसेट, है ना। पर ऑफसेट के अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है, हाइट विड्थ के पैरामीटर 2 ऑप्शनल होते हैं, वो भी होते हैं। तो उसका मतलब क्या है, वो कैसे यूज़ करते हैं वो दिखाता हूँ। जैसे मैंने रेफरेंस नंबर ये लिया, रो कॉलम हाइट विड्थ यहीं से ले लिए, रो कॉलम हाइट और विड्थ, ठीक है। अभी आएगा एरर इसमें, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, अब इसको पढ़ते हैं कैसे क्या हुआ, ये रो कॉलम हाइट विड्थ का मतलब क्या है। तो रो कॉलम से ये यहाँ 18 पे पहुँचा था, अब हाइट आ रही है 3, तो 3 का मतलब है 3 सेल ऐसे डाउन में, ठीक है। और विड्थ 4 का मतलब है 4 सेल ऐसे राइट में। तो ये एरिया हो गया, इसने एक एरिया सिलेक्ट किया। अब यहाँ मल्टीपल वैल्यूज़ हैं तो वो तो एक सेल में एक ही वैल्यू दिखाएगा, इसलिए वैल्यू की एरर है। पर इसका अगर आप ध्यान दें और सम देखें तो 525 आ रहा है ना। अगर मैं इस ऑफसेट को फार्मूला को किसी ऐसे फार्मूला में दे दूं जो मल्टीपल वैल्यू हैंडल कर सकता है, जैसे सम, तो उसका ये सम दिखा देगा आपको, ठीक है। तो आप इसका यूज़ कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अब इसका आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि कहाँ यूज़ करना है। मान लीजिए कि यहाँ डेटा वैलिडेशन में एक लिस्ट डाली हुई है मैंने। लिस्ट पता कैसे डालते, हम जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन में, यहाँ से चूज़ करेंगे लिस्ट, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी लिस्ट दिखाएगा। तो आप जिस फिगर को सिलेक्ट कर लेंगे, जितनी सेल को, वो आपको एज अ ड्रॉप डाउन यहाँ दिखाएगा, ठीक है, ठीक है। आप क्लिक करेंगे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ और वैल्यू एंटर नहीं हो सकती, सिर्फ ये ड्रॉप डाउन में इसे ही सिलेक्ट कर सकता है कुछ भी, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे फरवरी सिलेक्ट करूँ तो जैन से लेकर फैब तक का टोटल आ जाए, मार्च सिलेक्ट करूँ तो मार्च तक का आ जाए, मई तो मई का, जून तो जून तक का, जनवरी से लेकर, ठीक है। तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी में मूव कर रहे हैं हम ऑफसेट की, कौन सी प्रॉपर्टी हुई है, विड्थ ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब मान लीजिए एक फार्मूला लगाता हूँ मैं मैच का, मैंने कहा लुकअप वैल्यू मेरी ये है, और इसको मुझे फाइंड करना है किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। लुकअप वैल्यू चली गई मेरी,
लुकअप वैल्यू कॉमा 0, ठीक है। तो अगर फरवरी सिलेक्ट करूँगा 2, मार्च सिलेक्ट करूँगा 3, ठीक है, अप्रैल सिलेक्ट करूँगा 4। मान लो कि यही चीज़ मैं विड्थ के अंदर दे दूँ तो क्या होगा, सम ऑफसेट स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दिया ये जनवरी का, ये जो फिगर है और कोई डॉलर नहीं, रो 0 मतलब सेम रो, कॉलम 0 सेम कॉलम, हाइट कितनी चाहिए, 1 सेल की चाहिए खाली, है ना। और विड्थ जो मैं उठाऊंगा वो कहूंगा कि यहाँ जो विड्थ है वो उठा ले, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर यहाँ से मैं जैन सिलेक्ट करता हूँ तो क्या हुआ, कॉलम 1/1 हो गया, विड्थ 1/1 हो गई तो एक ही कॉलम। फैब सिलेक्ट करूँगा तो 2 हो जाएगी, तो 2 का मतलब हो गया ये कॉलम था 2 विड्थ, ऐसे 3, 4, 5 इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यही मैं जहाँ से तक करूँगा वो। डॉलर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसका रेफरेंस पॉइंट बदल जाना चाहिए जब मैं नीचे फार्मूला ड्रैग करता हूँ, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ होगा तो इसका टोटल दिखाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये फार्मूला मैं उठा के विड्थ में डाल दूंगा, पर उससे पहले इसको फ्रीज़ कर दूंगा, ये कम्प्लीटली फ्रीज़ करूंगा, इसको भी कम्प्लीटली फ्रीज़ करूंगा, और ये फार्मूला कॉपी किया मैंने और ओ की जगह डाल दिया जहाँ मैंने लिया था, ये यहाँ विड्थ में, ठीक है। तो ये फार्मूला मैं ट्रैक करूँगा, अब मेरे पास कंप्लीट फार्मूला हो गया, ठीक है। इसी तरह के ऑटोमेशन में यूज़ करते हैं जैसे मैंने किया, ठीक है। बाकी ये जो है जैसे रो कॉलम में मैच कैसे यूज़ करते हैं पता ही है, विड्थ में मैंने आपको दिखा दिया, इसी तरह आप हाइट में भी बना सकते हैं मैच का कुछ यूज़, है ना, हाइट को मेजर करवा के। तो मतलब आप एक के साथ इसमें 4 मैच लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, आप ये बनाना कि अगर 2 जगह ड्रॉप डाउन हो तो मतलब ये मंथ वाला मैं उसमें सिलेक्ट करूँ कि मार्च से अगस्त तक की सेल कितनी है, ठीक है। तो ये आप बनवाना, ठीक है, 2 ड्रॉप डाउन से मार्च से अगस्त तक की सेल, मतलब जो भी चूज़ करें उससे उस तक की सेल, ठीक है। इसके लिए आपको पहले वाला लुकअप जो है वो कॉलम में चलाना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम, अप्रैल चूज़ किया तो यहाँ से टोटल, पर विड्थ को भी जब आप गेट कराओगे तो ऐसी पोजीशन करेगा, तो कुछ प्लस माइनस इसी कॉलम के साथ करना पड़ेगा आपको, ठीक है, एक बार ट्राई करना उसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पर एक और एक्स्ट्रा चीज़ भी बता देता हूँ इसमें। अभी हमने इंडेक्स देखा था ना, इंडेक्स को मैंने कहा कि 1, 2, 3, 4 देते हैं उसमें, है ना, कॉलम और उसमें रो में, पर आप इसमें 0 भी यूज़ कर सकते हो इंडेक्स में, उसका यूज़ क्या होता है वो दिखा देता हूँ। अगर मैं सम में इंडेक्स दे दूँ, ये मान लीजिए मैंने ये दिसंबर का ये ले लिया पूरा, एक कॉलम लिया है, अगर रो नंबर में 0 देता हूँ तो ये पूरी रेंज उठा लेगा और उसका टोटल दिखा देगा आपको, ठीक है। 0 का मतलब है फुल रेंज रिटर्न कर देगा एक एक वैल्यू की जगह। इसी तरह से कॉलम में भी करता है, अगर कॉलम 0 कर देंगे तो पूरी आपको वैसी पूरा कॉलम की वैल्यू रिटर्न कर देगा, यानी कि इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करनी है, शीट में आपको भेज देता हूँ। हाँ तो VLookup लगा लीजिए, सिंपल है उसमें, तो VLookup आपको आप उसमें ये करेंगे ना, वैसे तो वो काउंट इफ के ज़रिए भी हो जाता है, पर VLookup से भी हो जाता है। अब कॉमन ही,
हाँ देखो मान लो कि ये अलग शीट पे है हमारा, तो जिसके आगे वैल्यू आ रही है वो इस शीट में है ना, जिसके आगे एरर आए वो नहीं है, ठीक है यही। ये हाँ तो ऐसे ही तो करेंगे, जैसे डेटा वन डेटा टू, ठीक है इसमें जो डेटा नहीं है, जब मान लो ये डेटा नहीं है इसमें क्या आया, एरर आ गई, तो जहाँ एरर आई वो डेटा नहीं है। हाँ और फिर एक कॉलम इसी के आगे लगा लेना, यहाँ पे भी वैल्यू गेट कर लेना, तो वो डेटा जो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है आप लिस्ट अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका ये वी लुकअप इससे लगा दो, इसका वी लुकअप इधर लगा दो बस, ठीक है। वी लुकअप से भी होगा, काउंट इफ से होगा, वो काउंट इफ जब आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा वो भी, ठीक है। चलिए फिर आज की हाँ, लिमिटेड नहीं लिखा जा रहा था। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ भी है तो इसको आपने कंट्रोल वन किया, कस्टम में चले गए, ठीक है। तो पहले मैंने मैसर्स लगाया था, ये इन्वर्टेड कॉमा में लगाना होता है हमेशा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि एक स्पेस आ जाएगा बैकग्राउंड वैल्यू पकड़ने के लिए, ऐट द रेट। अब ऐट द रेट के बाद फिर मैंने स्पेस दे के इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है वो लिमिटेड, ठीक है आ गया। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा कभी भी टेक्स्ट, जैसे प्राइवेट लिमिटेड लिखना है तो एक ही इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना पड़ेगा, प्राइवेट स्पेस लिमिटेड, ठीक है। तो ये आ गया, हाँ देखिए टेक्स्ट नहीं नहीं लिखा जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा जरूरी है फॉर्मूला के अंदर भी, ठीक है। हाँ देखिए सबसे पहली दिक्कत क्या होती है उसमें, अगर आपका टाइम सही से नहीं पड़ा है तो तब नहीं आएगा। अब जैसे मैं टाइम को लिखने का फॉर्मेट क्या है, आप लिख रहे हो कॉलन, फिर लिख एक कॉलन डाला, फिर मैंने कहा 10:20। अब AM PM जो आएगा वो स्पेस के बाद आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल टाइम आएगा, ये देखो कैपिटल हो गया अपने आप, यहाँ पे आपको अलग सी वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ टाइम का फॉर्मेट सिलेक्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। आप इसी वैल्यू को ही चेंज कर सकते हो, अगर आपने स्पेस नहीं दिया है बीच में तो वो उसे एज अ टेक्स्ट कंसीडर करेगा, ठीक है। तो टोटल आर्स के लिए मैंने बताया था स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एच लगा दिया, ये आ गया, ठीक है। इस टाइम को बड़ा आर आ गए, जैसे मैं 40 आवर्स कर देता हूँ, AM PM हटा देता हूँ। जब AM PM नहीं लगाते हो आप तो भी वो टाइम फॉर्मेट में ही जाता है। अब ये 40 आवर्स आ गए ना पूरे, यहाँ अलग से आपको डेट टाइम का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, तो ये करेक्ट है। टोटल मिनट का ऐसे ही था, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर M डालोगे तो आपके टोटल मिनट आ जाएंगे, S डालोगे तो टोटल सेकेंड्स आ जाएंगे। वो आप सबसे पहले ये चेक करना कि क्या टाइम का फॉर्मेट सही है, टाइम आपने करेक्ट फॉर्मेट में डाला है तभी, ठीक है। चलो जी ओके।